कि नीतीश कुमार का जो शराबबंदी है वो प्योर फेल है, ये माफियागिरी है, पैसा लेते हैं, नालंदा का घटना है और इनको पद से इस्तीफा दे, ये नीतीश सठिया गए हैं, समझ गए हैं। नालंदा में जो घटना घटी है वो अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन है कि वहाँ का थानेदार जो है नंबर वन लुटेरा है, उसकी संपत्ति की भी जाँच होनी चाहिए। जिस लड़का को वहाँ पासी जाति के लोगों ने मारा है वह लड़का निहायत मतलब शरीफ था और गरीब परिवार का था, उसको खाने के लिए भी नहीं था। देखे होंगे आंगन में साड़ी पसारा हुआ है, साड़ी से वो उसको ये किया हुआ है, चहारदीवारी टाइप के बनाए हुए हैं, इतनी गरीबी थी। थाना में ले जा करके मोटी रकम ले करके छोड़ देता है और बताता है कि फलाने ने खबर किया था कि जिस तरह से वो रजनीश नाम के लड़का को काटा गया है। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, प्रशासन दोषी है, अगर वहाँ का DSP सिमली नोमानी नहीं रहते तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। हालाँकि उन्होंने थोड़ी कार्रवाई की है रहे, लेकिन थाना प्रभारी पर FIR दर्ज करके जेल भेजना चाहिए और उसको तुरंत निलंबित भी करना चाहिए। बिहार में शराबबंदी है लेकिन हमेशा ही जहरीली शराब और शराब के जो तस्कर है वो पकड़ाते रहते हैं। इन दिनों नालंदा का एक किस्सा लगातार वायरल होते हुए नजर आ रहा है जिसमें एक जाति विशेष के लड़के को काट दिया गया है और वो उसके बाद से ये मामला तुल पड़ गया। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हाईकोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र जी हैं। हम सीधे बात करते हैं सर, जो घटना घटी है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूँ आपके प्रति और आपके चैनल के प्रति। नालंदा में जो घटना घटी है वो अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि वहाँ का थानेदार जो है नंबर वन लुटेरा है, उसकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। और जिस लड़का को वहाँ पासी जाति के लोगों ने मारा है वह लड़का निहायत मतलब शरीफ था और गरीब परिवार का था, उसको खाने के लिए भी नहीं था। देखे होंगे आंगन में साड़ी पसारा हुआ है, साड़ी से वो उसको ये किया हुआ है, चहारदीवारी टाइप के बनाए हुए हैं, इतनी गरीबी थी। दिन के पुलिस आती है शराब माफिया को पकड़ने, पकड़ के ले भी जाती है और थाना में ले जा करके मोटी रकम ले करके छोड़ देता है और बताता है कि फलाने ने खबर किया था। तो ऐसे भी एक सोशल वर्कर होने के नाते लोग खबर करता ही है, थाने पुलिस तो पुलिस भी तो सोसाइटी का एक पार्ट है। तो हमारे समझ से लगता है कि सिर्फ प्रशासन को कोसने से नहीं होगी, सरकार की भी अक्रमणता उसमें है। वहाँ के जनप्रतिनिधि लोग भी कुछ जो हैं वो मतलब थानेदार को रखे हुए हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से वो रजनीश नाम के लड़का को काटा गया है तो आदिम युग का याद आता है। पहले आप देखें चकमक पत्थर से आग का आविष्कार हुआ, उस समय लोग फरसा वगैरह का उपयोग ज़्यादा करते थे, तो फरसा से काटा है, कितना तड़पता होगा आप समझ सकते हैं। गोली तो लगता है तो आदमी गिर के मर भी जाता है, उसको तड़पा तड़पा के काटा है। दूसरी तरफ उस मामले को मैंने मानवाधिकार आयोग में ले गया, कल मानवाधिकार आयोग में डायरी नंबर भी आ गया है और जस्ट कल केस भी दर्ज हो जाएगा। और उस मामला को मैं आज तो ड्राफ्टिंग किए हैं, कल परसों यहाँ हम रिट डालेंगे, क्रिमिनल रिट। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, प्रशासन दोषी है, अगर वहाँ का DSP सिमली नोमानी नहीं रहते तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। हालांकि उन्होंने थोड़ी कार्रवाई की है, इसके लिए वहाँ के जो अभी वर्तमान DSP हैं वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन थाना प्रभारी पर FIR दर्ज करके जेल भेजना चाहिए और उसको तुरंत निलंबित भी करना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि नीतीश कुमार का जो शराबबंदी है वो प्योर फेल है, ये माफियागिरी है, पैसा लेते हैं, नालंदा का घटना है और इनको पद से इस्तीफा दे, ये नीतीश सठिया गए हैं, समझ गए हैं ना, जिसे कहते हैं ना कि ऊपर से चिकरे चुपड़े लगते हो और अंदर से बड़ी फटे पुराने लगते हो। तो नीतीश जी का आप कहीं कुछ रह नहीं गया, एक वाल इनका समाप्त हो गया, प्रशासन बेलगाम हो गया है। तो वो घटना जो है बहुत बड़ी घटना बिहार में घटेगी, बड़ी घटना है, लेकिन अभी तक मीडिया इसको कवर क्यों नहीं कर रही है? मीडिया देखिए, अब मीडिया रहा नहीं, अन्यथा नहीं लीजिएगा, आप भी एक मीडिया कर्मी हैं। अब यूट्यूब का युग आ गया है, एक मोबाइल लीजिए मुँह में लोग सटाते चलता है, समझ रहे हैं ना। अब स्थिति है कि मीडिया तो अपने कुत्ता कौआ जैसा कर रहा है, मीडिया में सब क्रिमिनल आ गया है। देखिए वहाँ का घटना जिस तरह से है, छपरा का वो अपराधी है ना है। आप एक तरफ एक मीडिया कर्मी मनीष कश्यप को पकड़ के बंद करते हो और छपरा में इतना बड़ा घटना कराया, उसको तो पकड़ के वहीं पर जो है से तुरंत पुलिस को दे देना चाहिए था। तो खुद थाना प्रभारी थाना में मीटिंग करता है और जाके घर तोड़ता है, ये मीडिया कर्मी का संस्कार है? वो मीडिया कर्मी नहीं, वो डकैत है, चोर है, मैं ये आपको कहना चाहूँगा। सजा कितने की हो सकती है, क्या लगता है कितने दिनों की सजा? तो 302 उसमें होना ही चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक से कोर्ट के तहत सजा के लिए ही मैंने क्रिमिनल रिट उस पर किया है।
और वहाँ का DSP को मैं बोल रहा हूँ ना कि सिवली नौमानी बधाई के पात्र हैं जो करीब करीब कंट्रोल किए, नहीं तो और बड़ी घटना घटती। हमारी मतलब वहाँ के लोगों से बात हो रही है, संपर्क में, हम बाहर थे, आए पता लगा, तो हम भी तो एक ह्यूमन बीइंग पहले हैं, पहले मैं एक जिम्मेवार नागरिक हूँ, तब अधिवक्ता हूँ, तो एक जिम्मेवार नागरिक के तहत मैं इसमें शामिल हुआ हूँ न्याय दिलाने के लिए। रजनीश और उसकी, रजनीश की जो पत्नी है, मृतक की पत्नी डौली कुमारी है, उसके परिवार के लोगों को, और बार बार मैं कहता हूँ कि आप जिस मीडिया में नहीं आ रहा है तो मीडिया में क्यों आएगा बताइए। अब मैं एक छोटा सा चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये भाजपा वाले चेहरा देखा के कूदते चलता है, ये भाजपा का यहाँ अध्यक्ष तो ये अपने क्रिमिनल है, ये अपने डकैत है, कैसे है पूछिए। जो विधानसभा अध्यक्ष को बेइज्जत कर रहा है, ये अपने विजय सिन्हा को बेइज्जत किया था ना विधानसभा में, तो ये एक शब्द बोला वहाँ के घटना पर, भाजपा का कोई नेता बोला, विजय सिन्हा खुद अपने निरीह प्राणी बने हुए ही गए वहाँ विजिट किए, इनको जाना चाहिए था एक जनप्रतिनिधि के नाते। तो ये बड़े बड़े जो बात करने वाले हैं, यहाँ वोट की राजनीति होती है और लास्ट पर लोग राजनीति करते हैं। बिहार की राजनीति की जो धारा है वो न्याय के लिए नहीं है, शांति के लिए नहीं है, लास्ट पर ये राजनीति करते हैं। अब और जितने लोग जाते थे, बड़े बड़े यूट्यूबर भी जाते थे, तो क्यों नहीं जा रहा है इस घटना पर? तुम्हारा चेहरा थोड़ा बेदाग होता, जो दागेदार बन रहे थे तो बेदाग होता। तो हमारे जैसे लोग जब तक आगे नहीं आएंगे, मैं निर्भीक होकर के, मैं काल से भी नहीं डरता हूँ, अगर सत्य रहता हूँ, मैं कानूनी हूँ, कानून से अगर मैं सही हूँ तो मैं काल से भी नहीं डरता हूँ। इसलिए कि आपको ये पता होनी चाहिए कि कहावत है कि गॉड मे लव दोज हु डाई यंग हु डाई इन सोशल वर्क, ईश्वर भी उन्हीं से प्यार करता है जो जवानी में मरता है और सामाजिक कार्य में मरता है। इसलिए हम निर्भीक हैं, तो निर्भीक होकर के मैं इस लड़ाई को लड़ा हूँ। और ये मैं वादा करता हूँ कि डौली के परिवार और उससे एक रुपया भी मैं इस मुकदमे में नहीं लिया हूँ, न लूँगा। अपने तरफ से सक्षम हम हैं खर्च करके, और ये मुकदमे को हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, लेकिन उसको हम अधिकतम से अधिकतम जो न्यायिक दंड प्रक्रिया जो है उसके तहत हम सजा दिलाएंगे रजनीश के हत्यारे को। और आप लोग से मेरा भी आग्रह है कि इस मुद्दे पर आप लोग निर्भीक होकर के कार्य करें आम जनमानस में, क्योंकि देखिए मीडिया जो है वो जन माध्यम का एक सशक्त रूप है, आप समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ जब जाएगा पब्लिक में तब पब्लिक समझेंगे कि बिहार में क्या हो रहा है। तो वोट के राजनीतिक रहे हैं, कल तक नीतीश बहुत अच्छे थे जब BJP के साथ थे, आज नीतीश खराब हो गए हैं, यहाँ का राजनीति पता नहीं चलता है। नीतीश फिर भाजपा में आ जाएंगे तो भाजपा गंगाजल छीट देगी, है ये आप पूछिए जाकर के भाजपा अध्यक्ष को, इस पर स्टेटमेंट लीजिए क्या बोलता है, वो क्यों नहीं गए वहाँ, उनको नहीं जाना चाहिए था? एक छोटा सा होगा कहीं घटना कूदने लगेंगे, घर जला दिया, ये सब मीडियाकर्मी ये सब चोर डकैत है, लिखने आता है दो लाइनी लोग, क्यों देखते हैं डकैत टाइप का, ये सब नशेड़ी टाइप का करता है और जाकर के छपरा में घर को तोड़ा है। अगर वहाँ जो पहले लड़का जिसको पेशाब जो पिलाया था, तो जो पिलाया था उसको भी पकड़ के तुम भेजते, लेकिन तो शांति भंग है, लाइन ऑर्डर नहीं है बिहार में। जो मीडियाकर्मी चाहेगा वो भी जाकर के घर तोड़वा दे रहा है, आप हत्या हो रहा है वहाँ पर, एक पार्टी बन के जा रहा हो, मीडियाकर्मी पार्टी होता है कि निर्भीक होता है? हम लोग, मैं भी विगत 15 वर्षों तक अखबार नवीस रहा हूँ, अखबार में काम भी किया हूँ, संपादक भी रहा हूँ सौभाग्य से, शिक्षक की नौकरी छोड़ करके और एडवोकेसी में आया सामाजिक न्याय दिलाने के लिए लोगों को, तो मैं जाति पाति से ऊपर उठ के लड़ता हूँ। आज लोग कहेगा कि वो ठीक है एक जाति विशेष का लड़का है, लेकिन उसके पहले अभिषेक पाठक हत्याकांड में लड़ा, मुंगेर गोलीकांड लड़ा, अनगिनत BPSC में कितने माने मुखरता होकर के मैंने धमकी मिलने के बावजूद भी उस लड़ाई को लड़ा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि GR में जो घटना घटी है वो वर्तमान सरकार के मानसिक विफलता तो है, मानसिक उत्पलावना का परिचय दे रही, विफलता तो विफल है तब ऐसी घटनाएं, मानसिक उत्पलावना का, खासकर नीतीश कुमार का, आपका गृह जिला है और वहाँ के भी जिस जाति विशेष के हत्या हुआ है लड़का के, तो वो लोग भी वैसा ही है, फिर नीतीश को वो लोग वोट देता है। फिर देखिएगा वोट का समय आएगा ना, तो कहेगा कि इसे बहुत बड़ा बम गिरने वाला है। अभी एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा सा, जुडिशरी से है, तो 4 बच्चे की माँ भाग के आ गई है पाकिस्तान से हिंदुस्तान में, अब उसको इतना वाहवाही मिल रहा है, इतना शरीफ शरीफ लोग वे हो गए हैं, हिंदूवादी हो गए हैं, तो अरे तुम कहते हो तो वो भी तो गो का कहती है, गो का मांस पहले हम खाते थे, हम नहीं खाते हैं। 4 बच्चा को लेकर भाग आई है वो घर उजाड़ करके, यहाँ उसको पड़ताना क्यों, यह एक चूक है, वर्तमान सरकार का चूक है, कैसे पड़ोसी देश का घुस गया, तो आतंकवादी इसी तरह से घुसता है, आप लोग घुसाते हो। तो मैं स्पष्ट बोलता हूँ इस पर रोक लगनी चाहिए, और GR की जो घटना है, GR गाँव की जो घटना है उसके पक्ष में, यानी रजनीश जो मृतक है उसके पक्ष में मैं खड़ा हूं, और हर तरह से मैं लड़ाई लड़ूंगा और दोषियों को सजा मैं दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। जो हमारी, हम कानून के प्रहरी हैं, कानून जो कहता है उसके तहत उसको अधिकतम मैं सजा दिलाने के लिए प्रयास करूंगा। और डरने वाले नहीं, हम DSP को वहाँ दे रहे हैं, DSP को मतलब धन्यवाद दे रहे हैं, उसने काम किया वहाँ पर,
लेकिन थाना प्रभारी को मतलब निलंबित कर और उस पर 302 का मुकदमा चलाया जाए। तो चलिए देखिए, शराबबंदी की बात होती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ही शराबबंदी को प्रमोट करते हैं और कहते हैं बिहार में शराबबंदी है, लेकिन लगातार जहरीली शराब के और इस तरीके के वाक्या सामने आते रहते हैं। जिस तरीके से हत्या हुई, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है सरकार पे और प्रशासन पे भी कि आखिरकार अभी तक इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बोलते हैं कि हम लोग ने क्राइम को बहुत कंट्रोल किया है, तो क्या आप लोगों ने यही क्राइम कंट्रोल किया है कि एक व्यक्ति को, एक जाति विशेष के व्यक्ति को आप इस तरीके से जान से मार दे रहे हैं। सहयोगी हीरा के साथ IVTV पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।